यहाँ पर हुआ वो पहली बार महिलाओं ने, सिर्फ महिलाओं को बुला करके इस कार्यक्रम की कोशिश की, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। तो इसीलिए जो कि पहली बार कर रहे थे तो मुझे लगा कि जो भी कमियां हैं और गड़बड़ियां हैं वो दूसरी बार ये लोग ठीक कर लेंगे। ऐसे कार्यक्रम अच्छा था, ठीक ही था। दूसरी बात ये है, आपने पूछा कि मेरे इस तरह की महिला के कार्यक्रमों को होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं में जागरूकता आती है, साहित्यकार बनने की इच्छाएं बहुत लोगों में होती हैं, लेकिन कुछ जो बने हुए होते हैं और उनकी पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और धीरे धीरे विकास होता है, तो इस विकास से सीखते हैं लोग। और इस तरह के कार्यक्रमों से ही बात होगी कि जो नई साहित्यकार वगैरह हैं उन लोगों को सीखने का अवसर जरूर मिला होगा। दूसरा हमको लग रहा है कि आपने ये प्रश्न पूछा कि मैं बचपन से अभी तक लिखने के क्रम में मुझे क्या क्या झेलना पड़ा है। तो मैं एक स्वतंत्रता सेनानी साहित्यकार परिवार की ही व्यक्ति हूँ, तो मुझे साहित्य के लिए कुछ झेलना नहीं पड़ा, कोई ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं आती है। और लिखने के पहले, आज भी मैं प्रत्येक साहित्यकार स्त्री या पुरुष उन्हें मैं कहती हूँ कि लिखने के पहले अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। तो इसकी एक तरह से शिक्षा मुझे अपने घर में ही मिली, बहुत सारी किताबें मिली, बहुत पत्रिकाएं आती थीं और आज तक आती हैं। तो किताबों को खूब पढ़ा, पत्रिकाओं को पढ़ा, तो कमी और बेसी का ज्ञान भी थोड़ा बहुत उस माध्यम से हो जाता है लोगों को। तो जिस समय मैं बचपन में छोटे बच्चे जैसे कविताएं लिखते हैं या स्कूलों के लिए कॉलेजों के लिए स्किट लिखते हैं, तो वो सब जब करती रही तो उसका कोई गिनती उसकी रखती नहीं थी, लेकिन एक वो ट्रेनिंग अपने आप में थी, जो हमारे स्कूल की शिक्षक या हमारे घर की कोई व्यक्ति उसको देख के उसका अच्छा बुरा बताते थे। लेकिन वो सब उसके कोई कहीं कलेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि इतनी सावधान व्यक्ति मैं नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते मैं जब आगे बढ़ी और जिस वक्त मैंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया, उस वक्त भी कोई संघर्ष मुझे इस मामले में नहीं हुआ कि प्रायः लोगों की कहानियाँ या आलेख लौट के आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि लौट के आ गई कहानी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई कहानी लौट के आई हो, ये एक सौभाग्य है। या मेरे बहुत गंभीर पठन पाठन का नतीजा है कि मैं कहानी अगर लिख रही थी तो मैं चोर लिख रही थी, तो मुझे वो संघर्ष नहीं झेलना पड़ा। ये ज़रूर बात है कि मैं पटना जैसी जगह पर रहती हूँ तो वो एक तरह से किनारे में है, वहाँ लेखन पाठन किताबों की बिक्री, कहते हैं लोग कि भारत में सबसे अधिक बिहार में होती है, उसमें भी पटना में होता ही है। तो इस तरह के स्थान में रह के ये सब तो होता है, लेकिन आपका प्रचार प्रसार का स्वभाव हम लोगों का नहीं है, नहीं। बिहार के लोगों का, तो उसमें आपको जो मन सो कहिए, उल्टा कहिए, कहते रहिए, लेकिन प्रचार प्रसार का स्वभाव चूंकि नहीं है, इसीलिए उसमें कोई मन ऐसा था कि कोई प्रचार प्रसार मेरा मेरे विषय में बहुत ज़्यादा जानना लोगों को उसमें देर लगे, जानने में देर लगे। मगर चूंकि मेरी कहानियाँ धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जो उन दिनों बहुत व्यापक पत्रिका थी, प्रत्येक हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी के भी घर जाती थी, तो मेरा नाम तो लोगों को मालूम था, कहानियाँ भी उन लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन उससे डिटेल में जाने की ज़रूरत लोगों ने नहीं समझी, क्योंकि हम तो किनारे में बैठे थे, मेरा कोई ऐसा संपर्क नहीं था, नहीं हम बनाना जानते थे ना चाहते थे। ये सारी बातें हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि फलाना बहुत ज़्यादा है, चिलाना उसके बारे में बहुत लोग लिखते हैं, मेरे विषय में नहीं भी लिखा, नहीं भी कुछ किया तो नहीं लिखा। हम लोग उस मामले में थोड़े से संकोची नहीं उसको कहेंगे हम, मतलब इनडिफरेंट है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं। तो संघर्ष मुझे नहीं लगता है कि हुआ, छपने में भी संघर्ष नहीं और जब संग्रह बनने लगा तब भी कोई संघर्ष नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैंने कम से कम
100 कहानियाँ तो हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखी हैं। मैं दो भाषा में लिखती हूँ, मैथिली मेरी मातृभाषा है और हिंदी तो भाषा है, शिक्षा की भाषा हिंदी है, तो मैं दोनों भाषाओं में लिखती हूँ। दोनों भाषाओं में पुरस्कृत भी हूँ, कई पुरस्कार मिले हैं। तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार बल्कि मैथिली उपन्यास पर ही मिला। तो हमारा ये कहना है कि ये सब होते हुए भी मेरे मन में आया कि बहुत कहानियाँ लिख ली, अब कुछ उपन्यास वगैरह पे हाथ आजमाना चाहिए, और तब मैंने हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में उपन्यास लिखे। उपन्यास लिखना बहुत कठिन काम है और समय लेता है, बहुत समय लेता है। तो उतना समय मैंने ज़्यादातर, कुछ तो पहले लिखा लेकिन ज़्यादातर समय जो बड़े और मोटे उपन्यास मैंने लिखे गंभीर, वो मैं कॉलेज में नौकरी करती थी तो 60 वर्ष में जब रिटायर हुई उसके बाद मैंने और भी बड़े बड़े उपन्यास लिखे। ये मेरी सुविधा तब हो गई जब मेरे पास समय था, क्योंकि वो कम समय में नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से मैं उपन्यासकार बन गई, साथ साथ मैं नाटककार भी हूँ। तो मैंने नाटक कई लिखे, हिंदी में भी और मैथिली में भी, और दोनों भाषाओं के नाटक मंचित हुए कई कई बार। हिंदी के नाटक तो 100-100 बार से ज़्यादा ही मंचित हुए हैं। यहाँ भी आपके इंदौर में भी हुए, भोपाल में हुए, मध्य प्रदेश के कई शहरों में हुए, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मैंने कोई शहर नहीं छूटा है जिस स्टेज पर मेरे लिखे हुए नाटक नहीं हुए और प्रशंसित भी। नाटक लिखना मुझे सबसे कठिन लगता है। जितनी विधाएँ हैं साहित्य में, हिंदी कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास, उन सब से कठिन लगता है नाटक, क्योंकि नाटक जब हम लिखते हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मंचित करने के लिए। तो मंचित करने के लिए नाटक लिखना संकट का विषय है कि आप उसमें कितने पात्र रखेंगे, कैसे पात्र रखेंगे, जो आपके निर्देशक को, कि कोई भी निर्देशक हो, मैं नहीं उस पर डिटेल में जाऊँगी, लेकिन उसको सुविधा हो, इसके लिए हम ऐसा सोचने लगते हैं तो नाटक लिखना थोड़ा कठिन लगता है। यही मेरी जीवनचर्या है लेखन में। उसके अतिरिक्त मैं सामाजिक कार्य में भी संलग्न रहती हूँ, गांव की हूँ तो ग्रामीण समाज का दुख सुख, और चूँकि स्वतंत्रता सेनानी परिवार की हूँ तो राजनीति से बहुत मतलब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं मतलब है, लेकिन समाज नीति से मतलब है। तो समाज में लोग कैसे रहते हैं, उनमें जागरूकता आ रही है कि नहीं, पर किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इसकी चिंता करने के कारण मैं सामाजिक कार्य भी में भी रहती हूँ। धीरे धीरे मैं सांस्कृतिक संगठन भी मिला है, जैसे नाटक का एक नाट्य ग्रुप है मेरा, निर्माण कला मंच, जिसके निर्देशक हैं और सचिव सेक्रेटरी, मैं प्रेसिडेंट हूँ, सेक्रेटरी और निर्देशक संजय उपाध्याय, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, यहाँ MP स्कूल ऑफ ड्रामा के भी रह चुके हैं डायरेक्टर, तो वो हमारा ग्रुप है, बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि अब तो मुझे लगता है 35-34 साल हो गए, और वो सबसे सक्रिय ग्रुप भारत में भी है, सबसे सक्रिय ग्रुप में से एक ग्रुप है, और बिहार में तो है। तो इस तरह से मैं इन हलचलों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, अपनी उम्र के अनुसार ज़्यादा ही व्यस्त रहती हूँ, यही मेरा प्रोफाइल है। मैम, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, जब आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? तो चूँकि सम्मान है तो अच्छा ही महसूस हो रहा था। जब दिल्ली से मुझे फोन आया कि आपको पद्मश्री के लिए चुना जा रहा है, आपको पसंद है कि नहीं, तो पसंद तो था ही, क्यों नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, तो मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझे अगर साहित्य और शिक्षा के लिए दिया जा रहा है तो ये मेरे लिए हर्ष का विषय था, बहुत ही अच्छा लगा, आश्चर्ययुक्त, बढ़िया, धन्यवाद मैम हमसे बात करने। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।